हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आई एम नंदिनी मैम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, आपका सब्जेक्ट है जो कि बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज स्पॉयलेज? और आज हम कवर करेंगे स्पॉयलेज के सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स, उस दिन हमने बात की थी माइक्रोबियल स्पॉयलेज और स्पॉयलेज के बारे में, तो बस रफली हम समझ लेते हैं कि स्पॉयलेज होता क्या है। वैसे तो मैं फर्स्ट वीडियो में ऑल ओवर चीज़ें आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी माइक्रोबियल अटैक कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा स्पॉयलेज हो रहा है, तो प्रोसेस क्या होता है, माइक्रोबियल अटैक करेंगे, फिर फूड का डिग्रेडेशन होने लगेगा, तो जो फूड का अपना प्रॉपरली जो चेंजेस है वो फिजिकली हमें दिखने लगेंगे, मतलब कि उसमें धीरे धीरे स्पॉयलेज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, एंजाइमेटिक रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन। और जैसे ही हमें उसमें फिजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे, जो भी हमारा फूड है उसमें स्पॉयलेज दिखने लगेगा, दैट इज़ द मीनिंग कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड उसका डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको इस स्ट्रॉबेरी में दिख रहा होगा कि इसका फिजिकल नेचर भी देखने में हमें चेंज दिखने लगा है और इसमें कुछ एंजाइमेटिक और रिएक्शन हुई है जिसके कारण इसका अब डैमेज होना शुरू हो गया, मतलब कि डिकम्पोज स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा स्पॉयलेज का प्रोसेस। अब हम आगे कवर करते हैं रिमेनिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, बात करते हैं फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज हमारा क्या होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है फिजियोकेमिकल में क्या होता है। इन दिस काइंड ऑफ द स्पॉयलेज देयर आर द सम ऑफ द केमिकल चेंजेस कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल स्पीशीज ड्यू टू द चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो गेट ऑल्टर्ड द डिटोरिएशन, दिस इज कॉल्ड द फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज। स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज है, दैट इज़ द मीनिंग कि जो इस तरह का स्पॉयलेज उसका होता है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें क्या करते हैं कि उसके केमिकल नेचर में चेंजेस जो हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि हमारा पर्टिकुलर उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का केमिकल नेचर चेंज होने लगता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज होती हैं वो उस पर आके अटैक करती हैं और अटैक करने के बाद उसमें स्पॉयलेज शुरू हो जाता है, उसमें कुछ ऐसी रिएक्शन शुरू हो जाती हैं जो कि उस ड्रग की या उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देती हैं, यानी कि जो उसका एग्जैक्टली वर्किंग नेचर था अब वो पहले की तरह प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इस तरह के स्पॉयलेज को हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज। अब इसमें हमारा फर्स्ट है जैसे कि वायबल ग्रोथ होने लगती है। इट इज़ द काइंड ऑफ द स्पॉयलेज माइक्रोबियल सेल फ्रॉम form a visible layer of the surface pharmaceutical formulation. The layer is presence of the microbial cell can be clearly seen by the naked eyes. जैसे स्टूडेंट, जस्ट कुछ सेकेंड पहले हमने अभी स्ट्रॉबेरी देखी थी जिसमें फंगस लगा हुआ था, वो हमारा एक अच्छा सा एग्जाम्पल है फिजियोकेमिकल का कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी सरफेस, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी जो आउटर सर्फेस लेयर होती है वहाँ पर हमारे किसी भी माइक्रोबियल की ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट होने लगती है, एक अपर सरफेस पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है और वो ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि हमें नेकेड आई से विजिबल तरीके से दिखाई देने लगती है कि जो हमारी ड्रग का नेचर है वो चेंज होने लगा है और उसने जो माइक्रोब है वो माइक्रोब्स की जो स्पीशीज है वो वहाँ पे ग्रोथ हो करने लगी हैं और हमारे हमें नेकेड आई से विजिबल है कि यहाँ पे हमारे स्पॉयलेज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, तभी ड्रग ने अपने केमिकल एंड फिजिकल नेचर में चेंजेस दिखाई देने लगे हैं और जो ड्रग की इफिकेसी थी, थेरापूटिक इफेक्ट था, वो उसका लूज हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं लेयर ऑफ द मोल्ड ओवर द सिरप और द शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स क्रीम एंड ऑइंटमेंट। स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे कि कई बार जो हमारे बहुत सारे पुराने सिरप हो जाते हैं उसमें एक आउटर सरफेस पे एक लेयर भी दिखाई देने लगती है और जो प्रोडक्ट है उसका अपना नेचर भी चेंज हो जाता है, तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं और हमें नेकेड आई से विजिबल होता है। ये हमारा एग्जांपल होता है स्पॉयलेज ऑफ द फिजियोकेमिकल का। अब हम कलरेशन की बात कर रहे हैं, तो कलरेशन में क्या होता है? कलरेशन चेंज अकर ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द केमिकल नेचर एंड दिस चेंजेस कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ द पीएच फॉर्मुलेशन रिड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ द सम अदर मेटाबोलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो भी मतलब कि हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है धीरे धीरे अगर उसमें स्पॉयलेज स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं उसका जो फिजिकल एंड केमिकल नेचर है वो भी चेंज होता है और साथ साथ में जो उसका
वास्तविक एक कलर होता है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। तो अगर उसके चेंजेस में पर्टिकुलर जो कलर था उसमें कोई चेंजेस हो गए, कोई ऑल्टरेशन दिखने लगा, या फिर प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो गया, कंपोनेंट को सेपरेशन हो गया है, तो ये भी उसका एक तरीके का हमारा स्पॉइलेज ही है। वो भी हमें दिख सकता है, जैसे उसके पीएच में कोई चेंजेस हो गया है, या फिर कोई इसमें रिएक्शन परफॉर्म हो गई है, या मेटाबोलाइट्स हमारे माइक्रोब्स ने रिलीज़ कर दिए हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है। और ये भी हमारा एग्जाम्पल होता है स्पॉइलेज का, माइक्रोबियल स्पॉइलेज का, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में देखें तो स्यूडोमोनास स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज विद द रेंज ऑफ द मेटाबोलाइज कॉज द कलरेशन ऑफ द ब्लू ग्रीन एंड ब्राउन। कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है कोई भी, उसमें हमारी जो स्यूडोमोनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ है वो अपने मेटाबोलाइट्स को बहुत ही वाइड रेंज में रिलीज़ कर देती है, जिसके कारण हमें कलर चेंज के तौर पे भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। कि जैसे ब्लू ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का जो मेटाबोलाइट्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हम भी ये समझ सकते हैं कलर के बिहाव पे ऑब्जर्व करके कि पर्टिकुलर अगर इस तरीके के चेंजेस हमें अपने कलरिंग एजेंट हमारे देखने को मिल सकते हैं तो ये हमारा स्पॉइलेज का ही एक रीज़न है। सरफेस डिकलरेशन हो जाना किसी भी टैबलेट का, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, तो ये भी हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज का ही एक रीज़न है, एक कारण है। गैस प्रोडक्शन की बात करें, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स गैसेस बाय देयर मेटाबोलाइट्स एक्टिविटी फॉर्म द गैस बबल ब्रोथ फॉर्म ओवर द फॉर्मुलेशन। अब गैसेस प्रोडक्शन के द्वारा किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का स्पॉइलेज कैसे हो सकता है? सो देखते हैं कि कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेमिनेशन होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, प्रोडक्ट्स में, तो हमारी जैसे कि कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म में कोई टैबलेट की बात कर लें, उसमें हमें बबलिंग दिखने लगी, उसके सरफेस पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ और सरफेस की जो आउटर सरफेस था उसमें कोई चेंजेस दिख रहा है, बबलिंग होने लगी, उसमें बबल्स दिख गए, या कोई फॉर्मिंग चीज़ें हमें दिखने लगी या फॉर्म बन गया, तो ये भी हमारे मेटाबोलाइट्स एक्टिविटी के कारण होता है, जिसके लिए हमारे गैसेस प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होते। और इस तरीके का फॉर्मुलेशन अगर चेंजेस दिख रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो उस फॉर्मुलेशन को हम गैसेस प्रोडक्शन अपना माइक्रोबियल स्पॉइलेज बोलेंगे। अब हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ द CO2 इन अ सिरप कॉज्ड बाय द ऑस्मोटोलरेंट मोल्ट एंड यीस्ट। क्या होता है कि कोई भी सिरप है, अगर हम उसमें बबल्स देख रहे हैं, बबलिंग दिख रही है हमें, जो कि मेनली हमारे CO2 के प्रोडक्शन के कारण होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब किसके कारण हो जाते हैं, जो हमारे ऑस्मोटोलरेंट मोल्ड्स एंड यीस्ट होते हैं, जो कि उसमें गैसेस जो CO2 है उसका प्रोडक्शन कर देते हैं, और फिर उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाता है। आप फिज़िकल स्पॉइलेज के बारे में बात करें कि फिज़िकल स्पॉइलेज क्या होता है, तो दीज आर सम चेंजेस इन अ फिज़िकल अपीयरेंस कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल सेल एक्टिविटी। जब किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फिज़िकल नेचर में कोई चेंज आता है रेडिएशन टेम्परेचर के कारण, उसका अपना फिज़िकल नेचर चेंज हो जाता है, या फिर किसी माइक्रोबियल सेल की एक्टिविटी के कारण, तो उसको हम बोल देते हैं फिज़िकल अपीयरेंस, मतलब हमें ईजिली विजुअलाइज हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं फिजिकल स्पॉइलेज। एग्जांपल के तौर पे देखें, इन अ इमल्शन सम बैक्टीरियल सेल कॉज्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑयल फेज कॉज्ड इन चेंज द ऑयल वाटर इक्विलिब्रियम एंड मेक द इमल्शन अनस्टेबल। कि कोई भी हमारा इमल्शन है उसमें हमारे माइक्रोब्स ने अटैक किया, तो जो वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर का जो हमारा इमल्शन होता है उसमें सेपरेशन आ गया, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो गया, और जो कि हमें ईजिली विजुअलाइज है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो रीज़न है वो फिजिकल स्पॉइलेज है, क्योंकि हमें आसानी से दिख रहा है कि जो हमारी फेज थी वो अलग अलग हमें दिख रही हैं, और उनमें जो चेंजेस आए हुए हैं वो किस तरीके के हैं, उसका हाइड्रोलिसिस हुई है या फिर उनके लेयर में सेपरेशन हो गया है, तो इस तरीके के जो सेपरेशन होकर दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्पॉइलेज। ऑल फैक्ट्री स्पॉइलेज में क्या होता है, स्पॉइलेज बाय सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोल्ड्स
जनरेट अनप्लीजेंट स्मेल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें माइक्रोब्स ने अटैक किया, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एक प्लीजेंट सी ओडर थी, उसका टेस्ट एंड टेक्सचर था, तो कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो उनकी वास्तविक अपनी स्मेल थी वो लूज हो जाए, उनकी प्रोडक्ट की जो स्मेल है वो चेंज हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर कोई अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लगे, तो इस तरीके का जो चेंजेस हैं उसको हम अपने ऑल्फैक्ट्री स्पॉयलेज में रखते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ द स्पॉयलेज मेनली कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल सेल आर दैट आर प्रोड्यूस द सल्फर कंटेनिंग गैसेस। अब ये जो मेनली हमारा होता है वो जो माइक्रोबियल सेल होती हैं उनके ही कारण होता है, और उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो माइक्रोबियल सेल होती है उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में गैसेस कंटेंट या फिर सल्फर को बढ़ा देती है SO2 एंड H2S को, जिसके कारण हमें अनप्लीजेंट स्मेल देखने को मिलती है प्रोडक्ट में, या फिर कोई फिसी स्मेल आने लगती है, या फिर ऐसी स्मेल आने लगती है जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। फॉर्मेशन ऑफ द फैटी एसिड भी हो सकता है, ओडर का जनरेशन हो सकता है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो इस तरीके के हम स्पॉयलेज को ऑल्फैक्ट्री स्पॉयलेज बोलते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो कंटेमिनेशन इन अ सिरप ऑफ अ टोलू बाय पेनिसिलिन सिरप प्रोड्यूस बाय द टोलुइन लाइक स्मेल। अब जो हमारा टोलू का सिरप होता है उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है, और जिसके कारण उसकी जो वास्तविक ओडर होती है, जो स्मेल होती है, वो चेंज हो जाती है, और ये हमारा आ जाता है ऑल्फैक्ट्री स्पॉयलेज में। केमिकल स्पॉयलेज की बात करें तो केमिकल स्पॉयलेज क्या होता है, देर आर द वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल स्पॉयलेज इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दीज अकर ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन मीडिएट्स एंड कंटेनिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की केमिकल स्पॉयलेज ऑब्वियस सी बात है, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी चीज़ में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके केमिकल नेचर को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्पॉयल हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, एसाइलेशन भी हो सकता है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होती है प्रोडक्ट में और उनका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, साथ ही साथ फिजिकल नेचर पे भी हमें देखने को ये इफेक्ट मिलता है। हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है, सम बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग द एंजाइम दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। कि कुछ हमारे बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जो कि कंटेन करती हैं एंजाइम को, उनकी कैटालिस को, और हमें हाइड्रोलिसिस कर देती है हमारे प्रोडक्ट में, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होने लगता है और धीरे धीरे ख़राब होने लगता है या डैमेज होने लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रोपिन हाइड्रोलिसिस बाय द स्यूडोमोनोस बैक्टीरिया, एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस बाय इंट्रोडेज एंड द प्रोडेशन द बैक्टीरिया, जिलेटिन के हाइड्रोलिसिस हो जाता है बैसिलस एंड क्लोरमेस्टीरियम की स्पीसीज से, और एसाइलेशन में क्या होता है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलर एंजाइम कॉज्ड बाय द एसाइलेशन ऑफ द ड्रग कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ एक्टिविटी। की कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हमारे सेलुलर एंजाइम जो है वो एसाइलेशन कर देते हैं ड्रग का, और जो हमारी ड्रग की एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है, और ये हमारा केमिकल स्पॉयलेज का एक रीज़न था, हाइड्रोलिसिस हो जाना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, या फिर एसाइलेशन का प्रोसेस। तो ये सब सारे हमारे आ जाते हैं केमिकल स्पॉयलेज के अंदर। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन क्या होता है। ड्यू टू द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन द एक्टिव थेरापेटिक एजेंट और द फार्मुलेशन इंग्रेडिएंट कैन बी डिग्रेडेड और मेटाबोलाइज। कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के कारण जो भी हमारे थेरापेटिक एजेंट थे उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाना, या सिंपल टर्म में कहें कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जब किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पड़ता है होता है, तो हमारी ड्रग की इफिकेसी लॉस होने लगती है, जो उसका थेरापेटिक एजेंट था उसके नेचर में चेंजेस आने लगते हैं, और इसको हम बोल देते हैं डिग्रेडेशन हो जाना किसी भी प्रोडक्ट का। फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट कैन बी डिग्रेड या फिर मेटाबोलाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पेनिसिलिन डिग्रेड बाय द बीटा लैक्टम कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल। की जो भी हमारी पेनिसिलिन है उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है बीटा लैक्टमेज कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल के कारण, और जो फैटी एसिड मेटाबोलाइज हो जाते हैं कुछ मोड्स के कारण। ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं डिग्रेडेशन, मतलब ये भी हमारे आते हैं स्पॉयलेज में ही। अब बायोलॉजिकल स्पॉयलेज क्या होता है,
सम ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूटिलाइजिंग द वेरियस कंपाउंड प्रेजेंट इन अ फॉर्मुलेशन टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस द केमिकल बाय विच रिलीजिंग द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन दिस सेल माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज का मतलब है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जब हमारे बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने लगता है, मतलब कि हमारे माइक्रोब्स अटैक करने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अपने मेटाबोलाइट्स छोड़ देते हैं, कभी कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज कर देते हैं, या फिर कभी कोई ऐसी केमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिसके कारण हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के नेचर में चेंजेस आने लगते हैं, कुछ डैमेज होना धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। तो इस टाइप के स्पॉइलेज को, जो भी हमारी मेटाबॉलिक मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में दिखती हैं, उसको हम बोल देते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज, जो कि मेनली हमारा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के कारण होता है, वो हमारा हो जाता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब इसमें जो हमारे टू टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं हमारे माइक्रोब या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन, जिस भी माइक्रोब्स ने हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे अटैक किया है, वो कुछ ना कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करेगा जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे डैमेज होना, स्पॉइलेज उसका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमारे मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हो सकते हैं या फिर माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, जो भी हमारा माइक्रोब्स है उसने कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स रिलीज किए होंगे हमारे कंपाउंड में, जिसके कारण उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है या स्पॉइलेज होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके की जो कि एक्टिविटी माइक्रोब्स के द्वारा परफॉर्म होती हैं और स्पॉइलेज स्टार्ट होता है, उसको हम बोल देते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। तो ये हुआ हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। सो स्टूडेंट, आज हमने बात किया माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज के बारे में, जिसके सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया। आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखे होंगे और आपको स्पॉइलेज, माइक्रोबियल स्पॉइलेज अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू क्लास।